ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच पिछड़े वर्ग और महिलाओं के उत्थान पर केंद्रित है, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है। ये बात उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय दिशा बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में कही। लेवल की दिशा कमेटी मीटिंग हुई है। दिशा कमेटी मीटिंग जो है 73 स्कीम्स जो कि सेंट्रल एडेड स्कीम्स हैं 90-10 के अनुपात में, उसकी जो है रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी राय दी है और क्या कमियां हमारे को पेश आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि स्कीम्स अच्छी इंप्लीमेंट करते हैं पर जब ज़मीनी हकीकत जो है वो कहीं होती है। जैसे कि हमारे जो फंड्स हैं, सभी का एक है, जो हमारे फंड्स हैं वो एक वित्तीय वर्ष में खर्च करना पड़ता है, परंतु जो अभी रिसीव हो रहे हैं वो 30 मार्च एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर उस तभी प्राप्त हो रहे हैं, तो कैसे खर्च कर पाएंगे, अगले साल जो है वो कट लग जाता है। तो ये सभी चीज़ें को लेकर क्या कमियाँ हैं, क्या हम सुधार कर सकते हैं, कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन आपस में बना सकते हैं, इसी बारे में चर्चा हुई। और ये ज़रूर मैं समझता हूँ कि ये नई पहल है, 5 साल बाद जो है, ये 5 साल पहले जो पूर्व आरडी मिनिस्टर साहब थे उनकी अध्यक्षता में हुई थी। आज अभी जो है क्योंकि चेयरमैन इसके माने मुख्यमंत्री है, 5 साल बाद हुई है और हम हर छः महीने में जो है ये दिशा कमेटी की मीटिंग हम लोग फॉलो इन करते रहे। अभी जो है ग्रामीण देखिए करीबन जैसे कि प्राप्त जो इनिशियल जो भी असेसमेंट किया जा सकता है वो करीबन 4000 करोड़ रुपये का है, मैं समझता हूँ। आने वाले समय में सब तो अभी जो पानी सबसाइड हुआ है, रूरल डेवलपमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं रूरल डेवलपमेंट को भी कि सभी BDO से आंकलन लिया जाए कितने रूरल रोड्स का, क्योंकि जो भी अभी आंकलन किया गया है वो केवल मात्र जो है PWD NH नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनका आंकलन किया गया है सड़कों का, पर जो हमारे रूरल रोड्स हैं जो पंचायत द्वारा बनाए गए हैं ब्लॉक द्वारा बनाए गए हैं उनका आंकलन अभी तक नहीं किया गया है। वो जल्दी मैं समझता हूँ 3 से 4 दिन के अंदर हमारे को पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश कर देंगे और सेंटर से जो है कुछ मुआवजा की मांग करेंगे। कितनी घटना हुई जिसमें एक बेटी और उनकी दादी जो है घर में मलबे में दब गई, वो एक ही हमारा जो है लाइफ लॉस जो है जानी नुकसान जिसको बोल सकते हैं, बहुत दुखद हुआ है। बाकी नुकसान तो हुआ ही है, इतनी भारी बारिश हुई है, सारी सड़कें बंद थी, चाहे वो PWD की सड़क हो चाहे वो पंचायत की सड़क हो, पर सभी ने जो है PWD विभाग ने और हमारे BDOs ने सभी ने जिम्मेवार तरीके से काम करते हुए विदिन जो है 24 घंटे सारी सड़कें हमारी खोल दी गई थी। एक सड़क ज़रूर है हमारी PWD की सड़क है, वो बिल्कुल ही बैठ गई है उसके लिए, और ऊपर प्राइवेट लैंड है इसलिए थोड़ा उसका वैकल्पिक जो है लकोटी ग्राम पंचायत ब्लॉक में एक वो रोड है, वो उसका आंकलन किया जा रहा है, वो जल्दी खोल दी जाएगी। पानी की बड़ी समस्या आपके, इतनी पॉपुलेशन है, पानी की समस्या भी गाद की समस्या है, पीछे से मिट्टी जो है पानी के साथ आ रही है वो छन नहीं सकती है। मेरे ख्याल से अधिकारियों से सबसे बात हुई है मेरी और अधिकारी भी दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं, हालांकि मशीनरी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे जो जहाँ से पानी आता है, हमारे पानी गुम्मा से आता है और गिरी का पानी आता है और एक चेड़ का आता है पानी, तो मैं समझता हूँ अभी पंप्स का कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर जो पानी के साथ जो मिट्टी आई है गाद आई है उससे जो है पानी रुका ज़रूर गया है, पर एक दो दिन में हालात जो है सामान्य होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।